आप देख रहे हैं न्यूज़ सेवन इंडिया और मैं हूँ अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं महबूब मुस्तफा भट साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ में एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सेवन इंडिया में। शुक्रिया बहुत बहुत। महबूब साहब, किस तरह की सिचुएशन अभी जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर में तो अभी बड़े उथल पुथल हो रहा है, चाहे पॉलिटिकली आप देख लें, सोशली आप देख लें। जब से आर्टिकल 370 टूटा है J&K में, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और उसके बाद कुछ पटरी पर J&K आ रहा था, तो कोरोना वायरस हो गया, लॉकडाउन हो गया, और अभी उससे भी उभर के लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो उम्मीद है, जो जब से नए गवर्नर साहब आए हैं, आज भी जैसे कल वो आपने देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए जो अमाउंट दिया गया, तो आप उम्मीद करते हैं कुछ नया हो जाए। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि सब पार्टियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल भी एक आर्टिकल पढ़ा कि आर्टिकल 370 को लेकर आज भी सियासत चल रही है। कुछ लोग उसको बचाने का दावा कर रहे हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि उसको हम दोबारा आने नहीं देंगे, तो उस पर भी सियासत चल रही है। और कल उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला दे देना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना आने की वजह से भी कुछ सियासत है, लोग अपना सियासी जो घर है वो चला रहे हैं, जिससे वोट ले रहे हैं या वोट लिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ये क्लियर हो जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो क्योंकि लोगों को अब उभरना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। मैम सर, जिस तरह से जो DDC इलेक्शंस गए हैं, जिस तरह से BJP ये दावा कर रही है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के जो है उभर के सामने आई है, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या ये हकीकत है, या जिस तरह से गुप्कार कह रहा है कि BJP का ये एक सपना था जो टूट चुका है? देखिए, अभी मैं कहूँगा कि कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। अगर आप ग्राउंड में सिचुएशन देखा होगा आपने जाके, जहाँ इलेक्शन हुए, BJP अगर कहीं जीती तो वहाँ कांग्रेस के तीन तीन चार चार लोड लड़ रहे थे। बहुत सारी जगहों पे कोलेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से भी BJP जीत गई। बहुत सारी ऐसी जगहें थी कि जहाँ पे NCP लड़ रही थी, PDP वाले भी लड़ रहे थे, फलां भी लड़ रहा था, XYZ भी और इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे थे, तो BJP जीत गई। तो एज सच कोई पब्लिक का मैंडेट अभी BJP की तरफ नहीं है और किसी की तरफ भी नहीं है। मैं ये बोलूँगा अभी लोग मिक्स्ड रिस्पांस में है कि हर एक को सोच रहे हैं कि ये भी मेरा, लेकिन अभी भी समझ नहीं लोगों को आ रही कि असल में J&K को आगे ले जाएगा कौन। तो अभी कन्फ्यूज ही सारे हैं, जो मैंने इस इलेक्शन DDC इलेक्शन में लिखा। अब देख, बहुत लोग तो जीत के आए, लेकिन अभी ये भी नहीं उनको पता है कि आगे हमारा रोल क्या रहेगा, हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ अब DDC के साथ साथ BDC चेयरमैन भी हैं, उनको भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि जहाँ दो दो अब लीडर हो गए हैं, मतलब पॉलिटिकली अब DDC चेयरमैन भी और BDC काउंसलर भी। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी कंफ्यूज होगी कि किसका हम सुने, और लोग भी कंफ्यूज होंगे हम किसके पास जाएं। तो अभी बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, अभी रोल गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा कि BDC का रोल क्या है, DDC का रोल क्या है, आगे अगर असेंबली इलेक्शन आएंगे तो उसमें MLA का क्या रोल रहेगा, क्योंकि हर एक को ये तो पावर शेयरिंग का मामला है कि लोगों को रहेगा कि हमारी पावर कहाँ तक सीमित है। तो ये तो सोचना पड़ेगा आगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, गवर्नमेंट को भी, कि हमें इनको कहाँ ले जाना है। महबूब साहब, जिस तरह से सरपंचेज के, पंचेज के, फिर BDC इलेक्शंस करवाए गए, अब DDC इलेक्शंस करवाए गए, जब पंचेज और सरपंचेज के इलेक्शन करवाए गए थे तब ये कहा गया था कि पंचेज और सरपंचेज को पावर दी जाएगी, जब BDC इलेक्शन करवाए गए तो तब कहा गया था कि BDC मेंबर को जो है पावरें दी जाएंगी। अब DDC के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि इनको बहुत सारी पावरें दी जाएंगी, तो क्या लगता है आपको कि पावरें मिलेंगी? जिस तरह से अभी भी बहुत सारी पंचायतें हैं जहाँ पे पंचायत घर ही नहीं है, तो सरपंच कहाँ बैठे और कहाँ पे मीटिंग करे? बहुत सारे जो BDC जो बने, उनके कहीं पे अभी तक ऑफिस नहीं है, उनके लिए बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या इन DDC जो जीत के आए हैं, क्या इनके लिए कोई ऑफिस होगा, क्या इनके लिए वो पावरें होंगी जिनका ये इस्तेमाल कर पाएंगे आम जनता के लिए? देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर नहीं है। मैं बारामूला में 3-4 महीने पहले एक जगह गया, कोई प्रॉब्लम थी वहाँ पे, एक अच्छे ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई और उनका उस दिन बड़ा फ़ैन हुआ। उन्होंने बोला कि सरपंचों को पावर है, पैसा भी है, लेकिन बहुत सारे सरपंच ऐसे चुने गए हैं, पब्लिक ने जो चुने हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सरपंची होती क्या है। हमारे यहाँ सरपंच को एक प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो नरेगा से बाहर नहीं आते हैं। नरेगा के बाद बगैर भी इतने, मुझे लगता है 50 से ऊपर डिपार्टमेंट हैं, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, इतनी स्कीम्स हैं, उनके बारे में पब्लिक को अवेयर ही नहीं कराते, और उनको पता ही नहीं है कि हमें किस एडमिनिस्ट्रेशन से किस मामले में बात करनी है। बहुत सारी प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रही है कि सरपंच उस काबिल नहीं है तो वो बन गए, DDC काबिल नहीं थे तो चलो हवा हवा में निकल गए। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो काबिल लोग हैं उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया है, वो वेट नहीं कर रहे एडमिनिस्ट्रेशन का, और जिनको समझ नहीं आई, जो हवा में निकल गए, वो मुझे लगता है 10 साल के बाद भी उनको समझ नहीं आएगी, फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी।
तो महबूब साहब, जिस तरह से 370 और 35 ए तोड़ा जब गया था, तब ये दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर को जो है लूट के खाया गया है पुरानी सरकारों के द्वारा, अब जो है करप्शन को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, अब जो है जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, क्या वो तरक्की आपको देखने को मिली कहीं पे? देखिए, आर्टिकल 370 J&K के लिए एक इमोशंस थे, अब बचा तो इसमें कुछ भी नहीं था, एक दिल लगी समझ लो थी आर्टिकल 370 से सब लोगों के लिए, खासकर कश्मीर और चिनाब वैली या पीर पंचाल के एरिया में। जम्मू वाले तो बड़ी देर से चाहते थे ये टूट जाए, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी वजहें थी, जैसे हमारे यहाँ पे जो लड़कियाँ ब्याही जाती थी पंजाब में हरियाणा, तो उनको वो राइट्स नहीं मिलते थे, लैंड राइट्स नहीं मिलते थे, तो बड़ी वजह से, लेकिन इमोशंस जुड़े हुए थे और वो इमोशंस टूट गए। अब उसमें वजह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टियां भी, जिन्होंने इस पर सिर्फ खेला है, किया तो कुछ नहीं। हमारे लोग इतने मोहताज बन गए थे कि सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट से मिले, राशन दे तो गवर्नमेंट दे, नौकरी दे तो गवर्नमेंट दे, उनको पता ही नहीं था कि उसके अलावा भी कितने साधन हैं। अब टूट तो गया, लेकिन अब हमें उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि चलो पहले था आर्टिकल 370 की वजह से स्ट्राइकें रहीं, बंद रहा तो चलो नहीं, फिर मौसम ख़राब रहा, ठंड आई, उसके बाद मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा मिले, नहीं तो तोड़ने से या बनाने से कोई चीज़ें बनती नहीं हैं, काम करने से बनती है। तो हम उम्मीद करते हैं गवर्नर साहब से भी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपने गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, कि आपको कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे, जो सबसे बड़ा मामला है हमारी बेरोज़गारी का है। हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं तभी जाके फिर वो गन भी उठाते हैं, तभी जाके पत्थर भी उठाते हैं, तभी जाके फिर वो और कोई रास्ता भी, जिससे फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गलत कदम उठाने पड़ते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि पहले, जैसे अभी कल भी कहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 4.5 लोग लगेंगे, तो वो एक्चुअल में लगने चाहिए, सिर्फ पेपर में नहीं होना चाहिए, तो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहे, एक्चुअल में है वो, प्रैक्टिकली दिखा जाए, तो मुझे लगता है चेंज आएगा। जी, तो जिस तरह से आपने यूथ की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो जब से यूटी बना है हमारा जम्मू कश्मीर, तो एम्प्लॉयमेंट मिली है यूथ को या बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? देखिए, अभी तो बढ़ी नहीं, अभी तो आपने देखा अकाउंट असिस्टेंट या अभी बैंक एसोसिएट के पेपर हो रहे हैं, रिजल्ट भी आया, बहुत सारे लोग इससे खुश भी हैं, बहुत सारे लोग इससे नाराज़ भी हैं, जो लगे वो खुश हैं, जो नहीं लगे तो उनको है कि स्कैम हुआ है, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसा तो ये चीज़ चलती रहेगी, लेकिन जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को और जितनी, जैसे आज़ाद साहब के टाइम में ही 2006 के बाद जब उन्होंने कहा था 70,000 नौकरियाँ, वो 70,000 नौकरियाँ अभी भी पेंडिंग है, मतलब समझ लो अब 12-13 साल हो गए हैं, और 12-13 साल के वो 50-70,000 नौकरियां, वो बार बार कभी वो 60,000 बनती है, कभी वो 10,000 बनती है, कभी वो 20,000 बनती है, उसको मुझे लगता है पहले फास्ट ट्रैक पे उन्हीं को पहले एडवर्टाइज करें और लोगों को लगाएं वो। सर, जिस तरह से टोल पे टोल लगाए जा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या ये सही है जम्मू के लिए, सही है जम्मू प्रोविंस के लिए, सही है या गलत हो रहा है? जिस तरह से बड़े सारे इस पे प्रोटेस्ट भी हुए, बड़ी बार जो है लोगों ने इस पे एतराज़ भी जताया कि टोल पे टोल लगाए जा रहे हैं। देखिए, बाकी मैं आपको बोलूँगा, दो टाइप के टोल हैं, एक तो जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का जो रोड है वो 4 लेन जब बना, तो एक तो BOT बेसिस पे होता है और EPEC मोड पे होता है। BOT बेसिस पे जो बने रोड, वो बिल ऑपरेशन, मतलब बिल्ट एंड ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ 6 फेजेस में जम्मू टू कश्मीर का था, और उसमें टोल जो लगे वो मैं जायज़ ही बोलूँगा, क्योंकि अब जिस कंपनी ने बनाया, एफकॉन्स ने बनाया, उसको 20 साल चलाना है, फिर 5 साल उसका और मेंटेनेंस है, तो वो खुद पैसा जो होता है। लेकिन जो ये लखनपुर वाली साइड, पहले कोई भी नहीं था, फिर होते होते आ गया, वो समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से आए, पहले क्यों नहीं था, फिर बाद में क्यों बना, तो ऐसे जैसे चीज़ों के फिर सवाल उठते ही हैं, तो ये देखना भी पड़ेगा, क्योंकि आम लोग फिर से सफ़र करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हर चीज़ को, ठीक है कंपनीज़ को पैसा देना है, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फिर प्राइवेट अपनी कंपनियां पैसा लगाती हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं ना कि किसी की जेब से फिर निकलना चाहिए। फिर मैम सब, युवाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ख़ासकर 4G जो है वो बंद रखा गया है, तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? खासकर जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ उस तरह के हालात जो हैं, या युवाओं में कुछ उस तरह का सरकार के प्रति कुछ वैसा है नहीं, तो फिर क्यों
जो है 4G जम्मू प्रोविंस के लोगों को नहीं मिल रहा है, हालांकि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिल रहा है। देखिए, पहले तो हमें समझ आया था कि 4G बंद क्यों हुआ, क्योंकि बड़ी जगह हम भी देखते थे कि ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो जाती थी और जिससे आपसी भाईचारा खराब होता है, जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे। लेकिन फिर जब ये गांधरबल और उधमपुर में दिया, उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि अगर बिजनेस हब हो या बच्चे जहाँ सफ़र कर रहे हों या पढ़ाई हो या कोचिंग सेंटर्स हो, वो श्रीनगर या जम्मू में है। तो एज पर एज माई नॉलेज और जो टेक्निकली, तो जम्मू और श्रीनगर में होना चाहिए था, तो उधमपुर में ये फिर समझ नहीं आया। फिर इसमें भी पॉलिटिक्स चढ़ी कि फला एमपी ने अपने एरिया के लिए लाया, उस एमपी ने वहाँ के लिए लाया, तो पॉलिटिक्स पे तो यकीन नहीं मैं करता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग सफ़र करें कि ये छोटी सी चीज़ है। और उससे भी बड़ा नुकसान जो ये होता है कि कंपनियाँ तो हमसे 4G का ही पैसा ले रही है, यूज़ हमें 2G हो रहा है, बल्कि पहाड़ी एरिया में तो मैं कहता 1G हो रहा है, वो भी नहीं है। मतलब एक एक वीडियो को डालने के लिए आपको एक एक घंटा लग जाता है, तो मैं कहूँगा वो 1G भी नहीं, बड़े पहाड़ी एरियाओं में है, तो हम पे तो कर रहे हैं 4G का, उससे कंपनियां तो फ़ायदा उठा रही हैं लेकिन आम लोगों को नुकसान है। अब गवर्नर साहब ने तो कहा है कि जल्द से जल्द, तो देखते हैं कब तक ये होगा। और पॉलिटिकल देखो, सारे के सारे जो लोग हैं ना, अपनी सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इससे भी बड़ा एक मुद्दा है जो आप मानेंगे या ना मानेंगे, जो मैं मानता हूँ, नेशनल हाईवे का 4 लेन आप देखेंगे, सर्दी आती नहीं है, रोडें बंद हो जाती हैं। मुझे बताएं कौन पॉलिटिकल पार्टी निकली रोड पे जिसने रोड को बंद किया हो और एडमिनिस्ट्रेशन से बात की हो। एक दिन के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए सब आ जाते हैं। अगर सब पार्टियां मिलके रोड पे बैठ जाएं और बोलें कि नेशनल हाईवे को जल्द से, देखो कितनी बेवाएँ औरतें होंगी रास्ते में, कितने बीमार होंगे एम्बुलेंसों में होंगे, उनका क्या। या बर्फ़ पड़ी उधर बानियाल में भी देख रहा था, वहाँ के लोकल लोगों ने हेल्प की, तो कितना ही लोकल लोग हेल्प कर पाएंगे। इस नेशनल हाईवे को पहले ही अच्छी कंपनियों को दे देना चाहिए था। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके लिए मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो महबूब साहब, जिस तरह से आप एक NGO भी चलाते हैं, द हेल्पिंग हैंड NGO चलाते हैं, और DDC इलेक्शंस में भी आपने हिस्सा लिया, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हेल्पिंग हैंड तो कश्मीर में जब फ्लड आया था तब से चल रहा है, और जब जब ऐसी मुसीबत आपदा आती है तो कोशिश हमारी रहती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। लॉकडाउन में भी हमने किया, अभी जब बर्फ़ पड़ी तो अपने इलाके में वहाँ भी फिर से वही राशन वाला और ब्लैंकेट्स वगैरह कपड़े दिए। तो कोशिश रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि इस इलेक्शन में मुझे एक ग्राउंड लेवल पर जाने को ये मिला कि बहुत सारे घर ऐसे देखे, वहीं इंसान, वहीं जानवर, वहीं बच्चे। तो आज भी हमारा जो चिनाब वैली है या पीर पंचाल भी, मैंने एक दो बार गया हूँ तो वहाँ देखा, आज भी 80% लोग गुरबत में रह रहे हैं। फ़ायदा चंद लोगों को ही होता है, इंडस्ट्रीज़ भी चंद लोगों के लिए है, गाड़ियाँ भी चंद लोगों के लिए, घरें भी चंद लोगों के लिए, हम अभी ओवरऑल किसी को बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं। तो हेल्पिंग हैंड तो काम करेगी, लेकिन हम और भी कोशिश करेंगे आगे कि कहीं अगर हमें मौका मिला किसी भी पॉलिटिकल फील्ड में, तो कोशिश तो हमारे रहेगी खिदमत खलक ही करना, और कुछ नहीं। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए देखो, मैसेज ये है कि अब ये तो इलेक्शन चले गए सारे, अब एक और आने वाला इलेक्शन है और असेंबली इलेक्शन है, जिसमें आपको अब आंखें खोल के, दिमाग खोल के ऐसे कैंडिडेट्स को लाना पड़ेगा जो सच में आवाम के काम करे। आप इस बातों पे मत जाना कि आर्टिकल 370 किसने तोड़ा, किसने नहीं, कौन वापस ला रहा है, क्योंकि अफवाहों में मैंने देखा काम फिर पीछे रह जाता है। एक दिन की सियासत के लिए लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन आम तो नुकसान फिर पब्लिक का हो रहा है। तो वो सोचना पड़ेगा पब्लिक को कि अब सोच समझ के जे एंड के लोगों को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बंटवारे की राजनीति अब चलेगी नहीं। जी, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ महबूब मुस्तफ़ा भट्ट साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ में एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज़ा मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।